हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जी हाँ, आफ्टर स्टैटिक फ्रिक्शन आज हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होती है काइनेटिक फ्रिक्शन? वी ऑलरेडी नो काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगती है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सर्फेस है एंड इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है लाइक दिस, एंड इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है। रिलेटिव मोशन का मतलब, सपोज ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाला नीचे वाले ऑब्जेक्ट के मुकाबले सर्टेन वेलोसिटी के साथ स्लाइड कर रहा है या मूव कर रहा है, तो इन दोनों सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई होगी दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई होगी दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब अप्लाई होती है व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस। काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नॉर्मल रिएक्शन। एंड हमें पता है अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्फेस हो, फॉर एग्जाम्पल ये हॉरिजॉन्टल सर्फेस है एंड इस ऑब्जेक्ट का मास लेट से m है, तो इसका वेट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स। तो हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस पे नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वेट, राइट? सो वी कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के लिए वी पुट को एफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन टू नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द रिलेशन टू कैलकुलेट काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे हम कह सकते हैं म्यू के इज को एफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस, राइट? म्यू के को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नाउ एक एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लेबॉरेटरी में टेबल है जिसके कॉर्नर पे एक पुली इंस्टॉल्ड है लाइक दिस, राइट? हम इस पुली से एक स्ट्रिंग पास करते हैं। ये एक स्ट्रिंग है जो पुली से पास हो रही है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से जिसका मास है 100 किलोग्राम्स। इतना हैवी ऑब्जेक्ट है और हमने इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है इस टेबल के ऊपर। तो हमने यहाँ पे एक मास हैंग कर दिया लेट्स से 0.5 किलोग्राम का, और हमने देखा कि 0.5 किलोग्राम का मास हैंग करने पे ये ऑब्जेक्ट मूव करना नहीं शुरू हुआ। तो पहले हमने 0.5 किलोग्राम का मास हैंग किया, मूवमेंट नहीं शुरू हुई, नो काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि रिलेटिव मोशन तो ज़ीरो है। फिर हमने धीरे धीरे मास बढ़ाया, 0.6 पे भी नो मोशन, 0.7 पे भी नो मोशन। ऐसा करते करते 1 किलोग्राम पे जब हम आए तो लेट से मोशन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हमने जब 1 किलोग्राम का मास हैंग किया तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया अलोंग दिस डायरेक्शन। अब अगर रिलेटिव मोशन है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है बिकॉज रिलेटिव मोशन इज देयर। नाउ व्हाट इज दिस वेट? यहाँ पे वेट कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 न्यूटन्स का, 1 × 10 = 10। दिस इज अप्लाइड फोर्स, ये हमने अप्लाई की एंड इस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 100 × 10 = 1000 न्यूटन। एंड दिस वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्फेस है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के इक्वल होता है। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, राइट? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकलेगी, नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा? नॉर्मल रिएक्शन हमारे लोड के इक्वल है, दिस इज द लोड, सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द लोड। एंड वी नो
जब मोशन हो भी रही है बिना एक्सेलरेशन के, तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल अप्लाइड फोर्स आ जाएगी। सो यहाँ से हम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा, अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सेलरेशन के मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब अगर उस पर कोई आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल है और वो मोशन कर रहा है, दैट मीन्स उसकी फ्रिक्शनल फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर रही है। सो वी कैन से अगर ये ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सेलरेशन के मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली लोड मतलब वेट और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन्स, नॉर्मल रिएक्शन इज 1000 न्यूटन्स। सो दिस इज 0.01 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.01 आ जाएगी। इस तरह से हम किसी भी दो सर्फेसिस में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम ये समझें कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करना डिफिकल्ट होता है, जबकि उसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखना कंपैरेटिवली इजी होता है, राइट? आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, स्लाइडिंग, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड रोलिंग के बारे में, एंड देखेंगे वहाँ पे हमें क्या क्या कंसेप्ट समझ आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। बाय।